नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर वजन करेली पर। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, माहौल जो है पूरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड लगभग 2 साल की लटकनों के बाद आने ही वाला है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 12 लाख एडमिट कार्ड जारी होंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा ये मानी जा रही है। मास्क पहन के रखें, कोविड है तो अलग से सेंटर में बैठना होगा। और ये जो खबर दी हुई है अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर की कटिंग, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। क्या कुछ खास होने वाला है परीक्षा में और क्या क्या फैसिलिटीज़ परीक्षा प्रोवाइड कराने वाली है, तो शुरुआत करते हैं। यदि आप नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हमारे नोटिफिकेशन आप तक को पहुँचते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होने वाली, इंदौर का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। मामला पुलिस भर्ती परीक्षा का है जो 1 जनवरी तक 12 लाख एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी में है। वहीं एमपीपीवी जिन्हें कोविड है या लक्षण है उनके लिए अलग से सेंटर जारी होने हैं। एमपीपीवी पुलिस का कांस्टेबल परीक्षा भर्ती का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। और उम्मीद ये की जा रही है कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपीपीवी अगले सप्ताह मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट mppv.mpgovernment पर जारी करने वाला है। यह भर्ती परीक्षा लगभग 8 जनवरी से शुरू होगी। करीब 12 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। और मध्य प्रदेश पीवी ने 2020 में दरअसल एमपी पुलिस के लगभग 4000 पदों पर कांस्टेबल जीडी परीक्षा की भर्ती शुरू की थी। फिर फिजिकल जो होना है, फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया जाएगा और सिर्फ पास होना उनके लिए ज़रूरी होगा। और इंदौर में लगभग 50,000 अभ्यर्थी के लिए एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। फ़ोटो पहचान पत्र क्या होने वाली है? ऑनलाइन लिखित परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ साथ फोटो एक पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इसके लिए अभ्यर्थी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी समस्त चीज़ें लेकर जा सकते हैं। ये सब कुछ बैन रहेगा। परीक्षा में मोबाइल, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते हैं। एग्जाम हॉल में नहीं छोड़ सकते हैं। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र कांस्टेबल जीडी पद के लिए अभ्यर्थी हल करना होगा। दूसरा, जबकि कांस्टेबल रेडियो पद के लिए अभ्यर्थी को दोनों प्रश्न पत्रों के हल करने होंगे। और दोनों प्रश्न पत्र 100 से 100 नंबर के होना है। दोनों के लिए 2-2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं लगातार अपने चैनल पर लगातार आपको अपडेट करके बता रहा हूं कि आखिर क्या कुछ खास रहने वाला है हमारे मध्य प्रदेश और पीबी या व्यापम की जो परीक्षा मध्य प्रदेश कांस्टेबल का है। तो मैं बार बार सजग आपको, लगातार मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ कि अब अंतिम समय चल रहा है पढ़ाई का, तो जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई करिए और साबित करके बता दीजिए कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। तो मिलता हूँ मैं किसी नई शीघ्र ही जानकारी के साथ। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए क्योंकि मैं अपडेट हर सुबह करता ही रहता हूँ। सोशल साइट्स के जितने भी हमारे हैंडल्स हैं करियर विजन के नाम से हैं, सबके ही आप हमको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी को पेपर के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सबका आशीर्वाद आप सबको प्रदान करें कि आप जाएं और फतेह हासिल करके आएं। बहुत बहुत आपका नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।